हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये कंप्यूटर का पावर पॉइंट क्लास चल रहा है, ठीक है। मैंने पहले क्लास में आपको पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। उसके मेन पेज के बारे में बताया था, ठीक है। जो भी सारा पेज था एक बार और बता देते हैं, ध्यान से समझ जाइए, ठीक है। हम उस दिन आपको ये बता देना ये कौन सा क्या होता है ये, ठीक है। ये फाइल मीनू, होम मीनू, इंसर्ट मीनू, ये सब मीनू बार होता है, ठीक। यहाँ पे हमारा रिवन होता है, ठीक है ना। ये हमारा टाइटल बार होता है, ठीक है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये हमारा स्लाइड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे काम को करते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको क्लास टू में फाइल मीनू के बारे में बताऊँगा, ठीक है। क्लास टू में हम आपको फाइल मीनू के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। जिसमें से आपको सबसे पहले सेव, ठीक, फिर से सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, इन सब चीज़ों को एक एक करके विस्तार पूर्वक मैं सबको समझाऊंगा, इन सबका शॉर्टकट की बताऊंगा, ताकि आप काम को जल्दी कर सकें, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शॉर्टकट की जान लेते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट की जानेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। चलिए शॉर्टकट की जान देते हैं। सेव, पहला ऑप्शन है सेव, जान दीजिए। सेव का होता है कंट्रोल सी टी आर एल, कंट्रोल को हम सी टी आर एल बोलते हैं, प्लस एस, ठीक है ना। ये आप दबाएंगे अपने कंप्यूटर से तो जो आप फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, सेव हो जाता है, ठीक। उसका आता है सेव एज, ठीक है। सेव एज का होता है F12, ठीक है। फंक्शन की में होता है 12 तक होता है ना, तो यहाँ से आप F12 दबाएंगे तो ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। अगला होता है ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की नहीं होता है। क्लोज होता है, तो क्लोज को आप कंट्रोल प्लस W दबा देंगे तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, इसका शॉर्टकट की नहीं होता है। रिसेंट, अब रिसेंट से होता क्या है, हम जो काम तत्काल में किए होते हैं, सपोज दैट हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आया हमें बुला कर लेकर चला गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बंद करके चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंप्यूटर में रूम होता है, ठीक ना, रीड ओनली मेमोरी होता है ना, वो क्या करता है, डाटा को सेव किए रहता है, ठीक है। और जब हम दोबारा आते हैं अपने पावर पॉइंट को ओपन करके, हम रिसेंट पे क्लिक करते हैं, तो वो लिस्ट आता है और पूछता है कि आपने जो बैक में जो काम किया था, क्या आप उसे देखना चाहते हैं, तो अगर हाँ तो आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाता है। अभी हम करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए न्यू क्या अगला, न्यू, तो न्यू में होता है नया पेज लेना, यानी न्यू, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू स्लाइड लेना, तो इसका होता है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, कंट्रोल प्लस एन। अब प्रिंट है तो कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। सेंड है, इसका नहीं होता है। हेल्प का कल बताए थे F1 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन का कोई नहीं होता है, इसका होता है। क्लोज का Alt प्लस F4, ठीक है ना। ये शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप जानेंगे तो आप किसी भी काम को जल्दी से कर सकते हैं और किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपने काम से, ठीक है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पावर पॉइंट में ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा और एक एक टॉपिक के वाइज, टॉपिक वाइज बताऊंगा, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए अब इन सबका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और जानिए, अगर मान लीजिए आप प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कैसा लगता है, ठीक है, तो उसका भी शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2। ये दबाएंगे तो आप क्या बनाए हैं वो जब प्रेजेंटेशन हम देंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आप लिख लीजिए और अच्छा ही रहेगा, लिख लेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक का यूज करना, बात समझिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम मेनू से न्यू स्लाइड लेते हैं, क्योंकि उसी पर हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे कल हम आपको बताए थे ना, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, ठीक, वैसे ये तीसरा नंबर का स्लाइड है मेरा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके दिखाते हैं। चलिए पहला सेव, ठीक है। तो हम सेव करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया है, ठीक, यहाँ पे टाइटल भी दिखा रहा है प्रेजेंटेशन 1, यानी ये मेरा फाइल सेव नहीं है। तो हम इसे सेव करने के लिए या कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएं, क्या दबाएं, कंट्रोल यस, देखिए हम यस कंट्रोल एस दबाएं, ठीक है। तो ये सेव करने के लिए आ गया, फिर से ध्यान से देख लीजिए, और बताते हैं। देखिए कंट्रोल एस, देखिए आ गया, ठीक। तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, ठीक, या हम ऐसे जाकर दिखाते हैं, फाइल मेनू जाइए, सेव पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, वही खुल गया, ठीक है। अब जहाँ पर सेव करना चाहते हैं उसकी डायरेक्टरी दीजिए, ठीक है, और यहाँ से जो बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं इंट्रोडक्शन, क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन या फाइल मीनू दे दीजिए सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आप यही समझा रहे हैं ना, फाइल मीनू, फाइल मीनू। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर नाम चेंज हो गया, फाइल मीनू, या ध्यान से देखिएगा, फाइल मीनू नाम चेंज, यानी जो हमारा फाइल है क्या हुआ, वो सेव हो चुका है। देखने के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके आप देखते हैं, देखिए फाइल मीनू नाम से ऑप्शन सेव है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला फाइल मीनू क्लिक करते हैं, अगला है सेव एज। ठीक है, सपोज दैट एक ही प्रेजेंटेशन में कुछ आप एडिटिंग करके वो पुराना वाला छोड़ना चाहते हैं और नया वाला उसी प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजिंग करके न्यू में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी को हम आपको शॉर्टकट की बताएं, F12 से सेव एज होता है, या चलिए हम इसी को दोबारा सेव करके दिखा देते हैं। तो देखिए सेव करेंगे तो अब नहीं सेव होगा, देखिए क्योंकि वो फाइल मेरा क्या पहले से सेव हो चुकी है, इसलिए हम सेव एज पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे है, हमने फाइल मीनू नाम सेव किया था, अब फाइल मीनू अब मान लीजिए 3 नाम से सेव कर देते हैं इसे, 3 नाम से। ठीक है, सेव। अब देखिए यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, वही चीज़ दो दो बार सेव हो गया, फाइल मीनू 1, फाइल मीनू 3। आई होप आपको सेव एज भी समझ आ गया होगा और उसका शॉर्टकट किया भी आपको बताएंगे, कंट्रोल F12 होता है। ठीक है ना, चलिए अगला बताते हैं, ओपन। सपोज डैट हम क्या किए हैं, यहाँ से इसको ये क्या हो गया, हाँ इस पावर पॉइंट को क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। फिर से हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ आप जाते हैं, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट रखा है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं उसी को हम ओपन कर लें जो पहले बनाए थे, तो कंट्रोल ओ होता है शॉर्टकट की, या आप उससे जाइए या फाइल मेनू से ओपन कर ले, तो हम कंट्रोल ओ दबाते हैं जल्दी से काम करने के लिए, कंट्रोल ओ दबाएं तो देखिए यहाँ पर आ गया, डेस्कटॉप पे जाते हैं और फाइल 1 को चूज कर लेते हैं, देखिए आ गया, इससे हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे आप आसानी से। चलिए नेक्स्ट, अगला क्लोज। अब क्लोज मीन्स क्या होता है, इसको बंद करना, तो आप जाके कंट्रोल W दबाएं या क्लोज पे क्लिक करेंगे तो देखिए बंद हो गया, बात समझे, समझ गया ना। चलिए अब देखिए रिसेंट, रिसेंट अभी को बताया ना, तत्काल में जो काम किए थे उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो यही बना रहे थे हम, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिसेंट में ये जो था वो हमारा आ गया, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अगला बताते हैं, अब देखिए इन्फॉर्मेशन। ठीक, क्या आप अपने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, ध्यान समझिएगा बात को। ठीक है, यहाँ से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर फॉर शेयरिंग कर सकते हैं, इसका वर्जन भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, कितने साइज का है, 1.20 MB, स्लाइड्स कितने हैं, 3 स्लाइड्स हैं, यानी जो भी चीज़ डाटा है, कब हमने इसको मॉडिफाई किया है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला न्यू, अगला क्या है न्यू, तो न्यू मीन्स क्या होता है, नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मान लीजिए इस पर काम कर रहे हैं हमें एक नया चाहिए, तो इस पर क्लिक जब कर देंगे तो देखिए यहाँ से पूछ रहा है, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, देखिए यहाँ सिंपल टेम्पलेट्स, थीम्स, माई टेम्पलेट्स, ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, या आपको नया अपने यूजर डिफाइंड बनाना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना, अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, वो तो है जो मेरा पुराना है वो भी है, और एक नया बनाने के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आ गया, समझ गए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगला बताते हैं आपको प्रिंट। अब देखिए आपको हम बता दे रहा हूँ प्रिंट करने से क्या होता है, जो चीज़ हम बनाया तो उसका प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसे हो क्या होगा, वो प्रिंट होगा, बात समझिएगा। ठीक, अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्जन 2010 से, मेरा ऑफिस 2010 है, उससे हायर करते हैं, तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू एक ही पास दिखा देता है, बात समझिएगा, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका प्रिंट प्रीव्यू है। ठीक है, और यहाँ से प्रिंट करके आप जो भी प्रिंटर है, एप्सनल, जो भी चीज़ फैक्स करना चाहते हैं, PDF में बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं, फुल पेज स्लाइड यानी पूरे पेज पे, या एक पेज पे दो करना चाहते हैं, तो देखिए हमने एक पेज पे दो कर दिया, जैसे आपको यूजर डिफाइंड अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 यानी सीरियल वाइज करना है तो सीरियल वाइज कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, यानी इसको सीधा में करना चाहते हैं या लैंडस्केप में चौड़ाई में करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लैंडस्केप हो गया ये, ठीक है, और ये हम ऊपर करके तो ये पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है ना, यहाँ से कलर में देखिए आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, ग्रे स्केल कर सकते हैं, तो देखिए प्योर ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, जो ग्रे स्केल करेंगे तो हल्का सा कलर रहेगा उसमें। ठीक है, ये कलर करना चाहते हैं तो ऐसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, या आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए सेव एंड सेंड, मान लीजिए आपको किसी को मेल करना है,
ठीक है, अब यही प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम किसी को भेजते तो हैं या किसी को क्या करते हैं प्रेजेंट करके दिखाते हैं, तो हम आपको सेंड करना होता है ऐसा आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, सेव टू वेब, सेंड टू ईमेल, ठीक है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगला है हेल्प, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ बताएं जरूरत है, ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन में आपको इसको कस्टमाइज करने का होता है। ठीक है, आप जो ये रिवर्स है इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में हम जाकर क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका, देखिए लास्ट बचा होता है एग्जिट। ठीक है, तो एग्जिट करेंगे तो पूरा बाहर चले जाएंगे यहाँ से हम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्लोज से केवल हम स्लाइड को बंद कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन जो बना रहे हैं उस पर काम करना बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एग्जिट कर देते हैं तो पूरे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।